डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशंट्स दवाई का इस्तेमाल करें या नहीं, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। अंदाजन 10 से 15% लोगों को डिप्रेशन आते रहता है, और डिप्रेशन आने के बाद में एक तो लोग वो अपने आप ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर डॉक्टर के तरफ जाते हैं कुछ लोग, और कुछ दवा पानी या इलाज करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई डिप्रेशन डॉक्टर के पास में जाता है या जाता भी नहीं है, तो लोगों के कुछ सवाल रहते हैं एंटी डिप्रेशंस के बारे में, क्योंकि हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को। तो भाई दवाई लेना कि नहीं लेना, दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, दवाई इफेक्टिव होती है कि नहीं है, दवाई लेना जरूरी है क्या, दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश ये वीडियो में कर रहा हूँ। पहला सवाल ये आता है कि क्या जब हम दवाई लेते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि हमने जो फेस करना चाहिए लाइफ की सिचुएशन, तो वो फेस नहीं कर रहे और वहाँ से भाग रहे, दवाई लेके सो रहे, ऐसा तो नहीं है? हम उसमें वीक साबित होते हैं कि नहीं, हम फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन है, फेल हो गए, फाइनेंशियल बर्डन आ गया, झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हार गए, जो भी कुछ होगा, और डिप्रेशन आ गया, तो क्या फिर मैंने दवा खा के वहाँ से भाग जाने का है, उसका सामना नहीं करने का? तो ऐसी बात नहीं है। दवाई खाते हैं तो आप डिप्रेशन को ठीक कर रहे, लाइफ की सिचुएशन से नहीं भाग रहे। लाइफ की सिचुएशन जो है वो है, मगर डिप्रेस आदमी यदि हो गया तो वो सिचुएशन का वो सामना नहीं कर सकता। यदि आप डिप्रेशन से ठीक हो गए, सिचुएशन बदलने वाली नहीं है दवाई से, सिचुएशन तो वही रहने वाली है, सिचुएशन का सामना आप ठीक तरह से कर सकेंगे, इसलिए दवाई लेना जरूरी है। तो कोई भी कारण से डिप्रेशन यदि आता है तो डिप्रेशन की दवाई मतलब एंटी डिप्रेशंस लेना चाहिए, कोई दुमती नहीं उसमें, और उससे आप वो सामना कर सकेंगे, वो फाइट कर सकेंगे, जो भी सिचुएशन से डिप्रेशन आया होगा तो उसका सामना करना है, हम उससे भाग नहीं रहे, तो ये ख्याल में रखना चाहिए। नंबर दो, क्या ही इफेक्टिव है? ऐसा लोगों को रहता है कि क्या दवाई इफेक्टिव है? तो हाँ इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग स्टडीज जो है उसमें पाया गया है कि 60-70% जो डिप्रेशन है वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, और उसमें से 50% डिप्रेशन तो एक सिंगल दवाई दे दिया तो उससे ठीक हो जाते, फिर 50 के ऊपर जो डिप्रेशन है और 20% उसके लिए फिर दूसरी और दवाई ऐड करना पड़ता है या तीसरी दवाई ऐड करना पड़ता है तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो जब दवाई से ठीक हो रहे तो दवाई लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, तो साइड इफेक्ट्स है, जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट है, जिसका इफेक्ट नहीं उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि एक जगह वो इफेक्ट कर रही है तो दूसरी जगह भी इफेक्ट कर रही है जहां उसने इफेक्ट नहीं करना चाहिए दवाई ने, मगर वहां भी इफेक्ट कर रही है बॉडी में, दिमाग में उसने इफेक्टिव होना चाहिए, ब्रेन के ऊपर इफेक्टिव होना चाहिए, मगर ब्रेन के साथ साथ बाकी बॉडी तो है जिसके ऊपर भी असर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन को जाके भिड़ेगी हो, तो फिर उसमें साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मुंह में सूखापन लगना, बहुत सूखा जीभ लड़खड़ाना उसकी वजह से, ऐसा कभी कभी होता है, सबको नहीं होता है, या फिर एसिडिटी होना, जलन होना पेट में या छाती में, या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन दो दो दिन नहीं होती है, या फिर पेशाब को कभी लोगों को तकलीफ होती है, तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट, या लोगों को दिखने में मतलब पढ़ने में तकलीफ होती है, तो ये जो साइड इफेक्ट है ये टेम्पररी है, अब जब दवाई बंद करेंगे तो साइड इफेक्ट निकल जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साइड इफेक्ट है तो। चौथा है, क्या ये सेक्स के ऊपर इफेक्ट करती है? तो हाँ जी, सेक्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। देखो क्या होता है कि डिप्रेशन पर से डिप्रेशन से भी सेक्स की इच्छाएँ कम होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, तो वो कम होता है, और हम दवाई दिया, अब लोगों को ये नहीं समझता कि भाई दवाई से हो रहा क्या है, उसको वैसी इच्छा कम थी सेक्स की, दवाई से भी होता है, दवाई से जो एंटी डिप्रेशन दवाई हैं उससे क्या होता है कि इजैकुलेशन लेट होता है, तो उसका साइड इफेक्ट है वो, मतलब रिटार्डेड इजैकुलेशन हो सकता है, इजैकुलेशन देरी से हो सकता है, तो ठीक है वो भी टेम्पररी है, जब आप दवाई बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा वो, और हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से सेक्स कम हो गया, डिप्रेशन अच्छा हो गया तो सेक्स की इच्छा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे क्या वजन बढ़ता है क्या? कुछ लोगों का वजन कम भी होता है, कुछ लोगों का बढ़ता भी है। वजन कम होता है कि जो लोग खाने की इच्छा नहीं होती जिनको बिल्कुल ही डिप्रेशन की वजह से, तो उनका वजन कम होता है, लोगों को लगता है कि दवा की वजह से हो गया। कुछ लोगों का दवाई लेके फिर डिप्रेशन अच्छा हो जाता है, उनको भूख लगना शुरू हो जाता है, फिर वो खाते पीते हैं तो उनका वजन बढ़ता है, और कुछ लोगों को फिर अभी नींद वगैरह अच्छी आना शुरू होता है दवाई लेने के बाद में, फिर बहुत अच्छी नींद लेते हैं, दिमाग शांत है तो उसमें खाना भी अच्छा लगता है, और खाना ज़्यादा गया तो वजन बढ़ता है, और वो भी फिर दवाई जब बंद करते तो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो छठवां है कि भाई काउंसलिंग अच्छा है, साइकोथेरेपी लेना है कि दवाई लेना है? तो मैं बोलता हूँ दोनों भी लेना है,
क्यों, क्या होता है कि डिप्रेशन में दवाई, मैंने जैसा बताया कि 60-70% लोगों में तो दवाई बिल्कुल काम करती है, अब बचे हुए 20-30% जो है उसमें हो सकता है कि हमको साइकोथेरेपी का सहारा लेना पड़े। तो साइकोथेरेपी का सहारा हम लेते हैं तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, तो इनका हम सहारा, मेडिटेशन है, इनका हम सहारा लेते हैं और उनके थॉट में परिवर्तन लाते, विचारों में परिवर्तन लाते हैं, देखने का जो नजरे हैं उसके ऊपर परिवर्तन लाते हैं, तो डिप्रेशन हट जाता है, डिप्रेशन उड़ जाता है। तो काउंसलिंग और एंटी डिप्रेशंस दवाई दोनों भी लेना जरूरी है। सातवां सवाल यह आता है, क्या हमने लाइफ लॉन्ग लेना है, जिंदगी भर लेनी पड़ती है, एक बार साइकेट्रिस्ट के पास में गए तो जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी? तो देखिए, जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है। यूजली 6 to 9 months, 6 से 9 महीने में दवाई बंद हो सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है कि साल भर दवाई लेनी पड़े, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दवाई बंद करने के बाद में फिर से डिप्रेशन आता है, तो हो सकता है कि उनको 2-3 साल तक दवाई लेनी पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। यदि आप कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके बढ़ा पाएंगे, लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको कोप अप करेंगे, दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लोग ये भूल जाते हैं कि डायबिटीज़ जो है उसमें आप दवाई खाते हो वो कितने दिन खानी पड़ती है, तो लोग बोलते हैं हाँ वो तो जिंदगी भर खानी पड़ती है डायबिटीज़ की। अच्छा, थायराइड की बीमारी है तो वो कितने दिन खानी पड़ती है, हाँ वो भी जिंदगी भर, ठीक है जान दो। ब्लड प्रेशर हो गया उसकी दवाई ला रहे वो कितने दिन खानी पड़ेंगे, नहीं बोले वो भी खानी पड़ती है जिंदगी भर। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, और खाते हैं तो वो कंट्रोल में रहती है बीमारी। अब समझो कोई ऐसे डिप्रेशन के मरीज है कि जिनको समझो दवाई खा के अच्छा आराम पड़ता है, बहुत ही अच्छा आराम पड़ रहा है, और जिंदगी भर खानी पड़ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक मेरे क्लोज रिलेटिव, उसको आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्लोज, मैं जब प्रैक्टिस चालू किया तब की बात है, उनको पेट में दर्द था और उदासीन था, बस ये दो ही लक्षण थे। जैसा मैं आ गया तो मैंने, अभी घर का डॉक्टर आ गया है तो बताओ क्या करना क्या नहीं, तो मैंने ठीक है मैं आपको दवा देता हूँ, मैंने उनको एंटी डिप्रेशन प्रिस्क्राइब किया। अब आज 35 साल हो गए, ज़्यादा 35 साल से भी ज़्यादा हो गए, वो एक गोली खा रहे और उनका कायम का हरदम का वो पेट दर्द और उदासीन निकल गया, उनको कभी ज़िंदगी में आया नहीं, वो गोली बंद करते तो तकलीफ होती है, और एक ही गोली उनकी दवाई बढ़ी भी नहीं। अब एक दवाई यदि 1 रुपये की खा के यदि आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है, आप काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही दवाई बढ़ने का भी बढ़ाने का भी काम नहीं पड़ा, तो क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज़ क्यों नहीं खाते हैं रोज, तो उसमें ऐसी कोई चिंता नहीं कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी क्या, खानी भी पड़ेंगी नहीं भी पड़ेंगी, उसमें चिंता करने की नहीं है। तो इस तरह का एंटी डिप्रेशंस का ये जो पूरा टॉपिक है, आपने रिलेटिव्स की नहीं सुनना है। लोग क्या करते हैं, वो हमारे काका ने बोला, हमारे मामा ने बोला कि दवाई मत खाओ, दवाई से किडनी खराब होती, दवाई से लीवर खराब होता, दवाई से हार्ट के ऊपर असर होता। भाई कौन है वो तुम्हारा काका चाचा, कितना पढ़ा लिखा है? नहीं बोले पढ़ा लिखा नहीं हो, बोले फिर ऐसा क्या बोल रहा है? नहीं बोला ऐसे बोल रहा है। तो रिलेटिव बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं कि मत खाओ, फिर लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। अभी गूगल पे आप कौन से साइट पे जा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है? वो आयुर्वेद वाला आदमी बोलता है एलोपैथी मत खाओ, होम्योपैथी वाला भी बोल सकता है, और कोई बाबा भी बोल सकता है कि आप ऐसा करो, जब जाप करो, शनिवार करो, हनुमान के मंदिर में जाओ और 11 शनिवार तेल चढ़ाओ तो आपका ठीक हो जाएगा, तो दवाई मत खाओ। तो फिर आप ऐसे सुनेंगे तो होगा नहीं, आपको देखना है कि साइंटिफिकली क्या तथ्य सामने आया, क्या स्टडीज है, और उसके मुताबिक आपने करना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, आपके इसके बारे में कोई भी सवाल होंगे तो वो सवालों के जवाब हम देने को तैयार हैं। आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं, जो कोचेस हैं, वो आपको मदद करेंगे मेरी अपॉइंटमेंट लेने में। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। हमारा ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।